लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रजनी की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, डोनट सभी को बहुत पसंद आते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नमकीन डोनट की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मैं साबुदाना से बनाऊंगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं साबुदाना डोनट हम कैसे तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साबुदाना ले लिया है। ये करीबन 2 कप साबुदाना है। इसे मैंने भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने ये देखिए, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम अच्छे से। ये करीबन 4 से 5 घंटे मैंने इसे भिगो दिया था। अब इसके अंदर मैं आलू डालूंगी। ये 1.5 आलू है, इसे मैंने बॉइल कर दिया है और बॉइल करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मैश कर दिया है। अब मैं इसके अंदर कुटी हुई मूंगफली डालूंगी। मूंगफली को मैंने पहले रोस्ट कर लिया था और इसके बाद मैंने इसे हाथों से क्रश कर लिया है। करीबन ये 1.5 कप मूंगफली मैं इसके अंदर डालूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली, आलू और जो साबुदाना है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालूंगी और साथ ही में बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया मैं इसमें डालूंगी। अपने स्वाद अनुसार मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, जितना आपको चाहिए आप उतना डालिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और बहुत थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्ची डालूंगी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है इसमें। इसे भी मैं बहुत अभी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, सभी चीजें मेरी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, मसाले भी सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं साबुदाना के डोनट बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं हाथों में थोड़ा सा बॉल जैसा ले लूंगी और इसे मैं गोल करके इसे अपने हाथों से मैं फ्लैट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक ये बॉल बना लिया था और इसे मैंने फ्लैट कर दिया है। ये देखिए, एकदम गोल शेप इसका आ गया है। अब मैं इसे इस तरीके से मेरे प्लेटफॉर्म पे रखूंगी। और फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक कुकी कटर है, इसकी मदद से मैं जो डोनट का होल है वो बना लूंगी। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये कुकी कटर नहीं है तो आप जो बॉटल है उसका ढक्कन भी यूज कर सकते हैं और आप ये डोनट शेप इसका बना सकते हैं। ये देखिए, हमारे साबुदाना का डोनट रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं सभी डोनट्स रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हमारे सभी डोनट्स रेडी कर दिए हैं। फ्रेंड्स, जब तक मैं ये मेरे साबुदाना के डोनट्स बना रही थी तब तक मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है और मैं अब इसके अंदर जो मेरे डोनट्स बनाए थे मैंने वो डाल दूंगी और इसे मैं फ्राई कर लूंगी। एट अ टाइम फ्रेंड्स आप 3-4 डोनट्स भी फ्राई कर सकते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसमें। ये साइड से तो ये पक गए हैं, अब दूसरी साइड से भी ये पक जाएंगे। मेरे डोनट हैं, आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये एकदम अच्छे से पक गए हैं। इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा कलर भी आया है इसे। इसे मैं अब एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दूंगी और सभी डोनट्स भी मैं इसी तरीके से निकाल के बाकी के डोनट्स फ्राई करती जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने मेरे सभी डोनट्स फ्राई कर लिए हैं। गर्मा गर्म साबुदाना के डोनट रेडी हैं सर्व करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये साबुदाना डोनट की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इसे जरूर ट्राई करना और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि ये कैसी बनी है। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन दबा के मेरे चैनल रजनी की रसोई से को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।